To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. Hello everyone, welcome to this session. In previous session we have studied about fiber to fabric. In it there is wool and silk. These are animal fibers. ये हमें किससे प्राप्त होता है? एनिमल से. और उल क्या करता है? उल जो हमें जिन जानवरों से उल प्राप्त होता है वो उनको गर्म रखता है. तो हमने एक लाइन पढ़ी थी कि एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो उनके जो उल मतलब जिनसे हम उल यील्ड करते हैं उनके हेयर में क्या भरा होता है? एयर भरा होता है. और वहीं पे हमने ये देखा था कि एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. और वहीं पे हमने ये इंस्ट्रक्शन मिला था कि हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे. उस समय हमें ये बात समझ नहीं आई, लेकिन हम उस समय ये जानने के लिए उत्सुक थे कि नेक्स्ट चैप्टर में हमें हीट पढ़ने को मिलेगा. तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? दैट इज हीट. सो व्हाट इज हीट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हीट के बारे में समझते हैं कि व्हाट इज हीट. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स एनी ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड. हीट क्या होता है? एक एनर्जी का फॉर्म है जो क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म या ठंडा करता है. तो एनर्जी, एनर्जी हमने सिक्स क्लास में भी देखा, फोर्थ क्लास में भी देखा. व्हाट इज एनर्जी? हम क्या खा, हम अपने हमारे बॉडी को एनर्जी किससे मिलती है? हम फूड खाते, फूड खाते हैं तो हमें क्या क्या मिलती है उससे? एनर्जी. एनर्जी क्या होता है? तो द कैपेसिटी विच वी कैन डू एनी थिंग. ऐसा कैपेसिटी जिससे कि हम दुनिया का कोई भी काम करते हैं, या वो सोना ही क्यों ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी. उससे हमें क्या एनर्जी चाहिए होती है जिससे कि हम कोई भी काम कर सके. तो दैट इज एनर्जी. तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स एनी ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड. नेक्स्ट है टेम्परेचर. इसी बुक में हमें, इसी चैप्टर में हमें टेम्परेचर के भी बारे में पढ़ना है. टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑन एनी ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना हॉटनेस है, कितना कोल्डनेस है, ये जिससे हम पता करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज टेम्परेचर. नेक्स्ट है थर्मोमीटर. टेम्परेचर जो होता है उसको हम मेजर कैसे करते हैं? तो जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उसको हम थर्मोमीटर बोलते हैं. तो थर्मोमीटर इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर. किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो हम किस डिवाइस से करते हैं? थर्मोमीटर से करते हैं. अब टेम्परेचर क्यों आता है, मतलब इसका कारण क्या है? तो हीट इज द कॉज ऑफ टेम्परेचर. नेक्स्ट है क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर. देर आर टू टाइप ऑफ थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर, और एक और होता है दैट इज डिजिटल थर्मामीटर. क्लिनिकल थर्मामीटर यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर. हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कौन मेजर करता है? क्लिनिकल थर्मामीटर. सिर्फ और सिर्फ हमारे बॉडी का ही टेम्परेचर मेजर हो सकता है. बॉडी के अलावा दूसरे किसी ऑब्जेक्ट का जिससे मेजरमेंट किया जाता है वो है हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर. ठीक है. द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस एंड फॉरन हाइट दैट इज 94 डिग्री फॉरन हाइट. हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, हम जब अंदर आएंगे इंट्रोडक्शन हम अच्छे से जब डीपली पढ़ेंगे तो हम सबके बारे में पढ़ेंगे. द मेटेरियल्स विच अलाउज हीट टू पास थ्रू देम इजली आर कॉल्ड कंडक्टर्स. ऐसा ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा मटेरियल जो कि हीट को अपने से आसानी से पास होके जाने दे दैट इज कॉल्ड कंडक्टर. एंड जो मटेरियल पास नहीं होने दे दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर्स. एग्जांपल कंडक्टर्स के मेटल्स, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स एक्सेप्ट सम. वुड आर इंसुलेटर. वुड जो लकड़ियां होती हैं वो क्या होते हैं? वुड. वो क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं. वो हीट को अपने से ट्रांसफर होने नहीं देते हैं. नेक्स्ट है लेबोरेटरी थर्मामीटर की जैसी बात कही मैंने. थर्मामीटर दो टाइप के होते हैं. तो दूसरा है लेबोरेटरी थर्मामीटर. इसका कहाँ यूज होता है? तो इट इज डिवाइस विच यूज टू मेजर द टेम्परेचर अदर देन आवर बॉडी. हमारे बॉडी के अलावा जितने भी टेम्परेचर होते हैं उससे मेजर किया जाता है. देयर आर थ्री मोड ऑफ ट्रांसफर. अब जो है हीट वो उसकी ट्रांसफर का भी हमें, ट्रांसफर ऑफ हीट के भी बारे में हमें पढ़ना है. तो देयर आर थ्री मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट दैट इज कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन. हम इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे. उसके बाद हमें लैंड ब्रीजेस एंड सी ब्रीजेस के बारे में पढ़ना है. सो हमने देखा ओवरऑल इंट्रोडक्शन हीट का. तो हम जब ठंडी के मौसम में, इन विंटर सीजन, जब हम घर के अंदर होते हैं तो हमें ठंड का अनुभव होता है. तो हम कहाँ, क्या करते हैं? हम बाहर धूप में चले जाते हैं. तो क्या होता है? हमें
गर्मी का अनुभव होता है। जब हम वूलन क्लॉथ पहनते हैं तो हमें गर्म अनुभव होता है, और वही गर्मी के मौसम में जब हम कॉटन कपड़ा पहनते हैं, वूलन क्लॉथ पहनेंगे तो क्या होगा, गर्मी लगेगी। लेकिन जब हम समर सीजन में कॉटन क्लॉथ या लाइटर क्लॉथ पहनते हैं तो क्या होता है, हमें ठंड का अनुभव होता है, हमें अच्छा फील होता है। उसी तरह जब ठंडी गर्मी में हम जब घर से बाहर होते हैं, धूप में होते हैं, तो जो ज्यादा टेम्परेचर जब होता है तो क्या होता है, हमें गर्मी लगती है। तो ये ठंडा और गर्मी हम अनुभव कैसे करते हैं, तो फील कैसे करते हैं, सेंस, हमारा जो टच सेंस है उससे हम फील करते हैं। तो सो हम अब देखेंगे कि हॉट और कोल्ड क्या होता है। उससे पहले इन्विंटर वी वेयर वूलन क्लॉथ दैट कीप्स अस वार्म, एंड इन समर वी वेयर कॉटन क्लॉथ दैट कीप्स अस कूल। मतलब हम कैसे कपड़े पहनते हैं जिससे कि हमें गर्म और ठंडी में सरवाइव कर सके हम उस कपड़े से। नेक्स्ट है हमारा वही कि हॉट और कोल्ड क्या है, आखिर मतलब कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉट और कोल्ड अनुभव करते हैं, हमारा सेंस क्या सही बता पाता है कि हाँ ये कितना गर्म हो सकता है या ये कितना ठंडा हो सकता है। तो पहले इसके लिए हम दो एक्टिविटीज, आप सामने डायग्राम देख रहे हैं, पहला एक्टिविटी आपका कि कौन सा ऑब्जेक्ट ठंडा होता है और कौन सा ऑब्जेक्ट गर्म होता है। जैसे आपका आइसक्रीम है, आइसक्रीम क्या होता है, ठंडा होता है। दूसरा है आपका हॉट टी, अगर मान लीजिए इसमें इसमें जो है वो तो आप देख ही रहे हैं और आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, जैसे कि हॉट वाटर क्या होगा, हॉट वाटर तो हॉट होगा, कूल वाटर कोल्ड होगा। और अगर स्पून हमने जो चाय में डिप किया है वो स्पून अगर हम बाहर निकालेंगे तो वो कैसा होगा, हॉट होगा या कूल होगा। जस्ट लाइक इसके बाद दूसरी एक्टिविटी आप सामने देख रहे हैं वो क्या है, आपको थ्री बीकर दिख रहे हैं, बीकर ए, बीकर बी, बीकर सी। बीकर ए में जो वाटर लिया गया है वो हॉट वाटर है जो भी, और बीकर बी में है वो क्या है, कूल वाटर, और बीकर सी में जो है वो हॉट और कूल दोनों का मिश्रण है, मिक्स मिक्स वाला लिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है उस एक्टिविटी में आप देख रहे हो क्या, उसमें हाथ डिप कर रहा है, उसमें हाथ डिप करना है और हमें देखना है कि ये वाटर कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है। तो हम जब उसमें अंदर हाथ डालेंगे तो हम कितनी देर तक इस पे हम हाथ अपना रख सकते हैं और कितनी देर तक नहीं। जब ठंडे पानी में हम जब हाथ रखेंगे तो हम ज्यादा देर तक रख सकते हैं, लेकिन गर्म पानी में अगर हम हाथ डालेंगे तो क्या होगा, हमें तुरंत निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा गर्म होगा। और जो नॉर्मल है, जो ठंडा भी है और गर्म भी, उसमें हम थोड़ा ज्यादा कूल, जितना हम कूल वाटर में रख सकते थे उससे थोड़ा कम देर हम उसमें रख सकते हैं। तो डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट। हम कभी भी एक्टिविटी करते समय हम ये ध्यान हमेशा रखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा गर्म है तो उसे हम टच नहीं करेंगे एक्टिविटी करते समय, ये सबसे बड़ी बात ये ध्यान में रखनी है। दूसरा, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग कैंडल और स्टोव। जब हम कैंडल जलाते हैं तो कैंडल जलाने के समय और स्टोव के समय हमें क्या होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। इन सब के यूज करते समय हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। तो हमने जो एक्टिविटी की, बाय दिस एक्टिविटी एक्टिविटी वन ऑप्शन सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉट एंड सम कोल्ड। पहला एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो गर्म होते हैं और कुछ क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। उसी तरह हम दूसरे एक्टिविटी में क्या डिटरमाइन, वी ऑल्सो डिटरमाइन दिस बाय नेक्स्ट एक्टिविटी। दूसरे एक्टिविटी के द्वारा हम क्या डिटरमाइन किए कि बीकर ए, बीकर बी, बीकर सी में हमने गर्म पानी, ठंडा पानी और दोनों का मिक्स पानी लिया था, जिसका हमें क्या फील हुआ, हमने जब हाथ डाला तो उसके अंदर हमें क्या फील हुआ। तो अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। तो बाय दीज टू एक्टिविटीज वी कंक्लूड दैट द रिलेबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। वो जो हॉटनेस है, वो कोल्डनेस है, वो क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर होता है। हेंस वी कॉल दैट द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर क्या होता है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। सो टेम्परेचर, अब टेम्परेचर तो मैं पता चल गया कि ये उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है। अब हम एग्जैक्ट टेम्परेचर का पता कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए एक डिवाइस है, हमने पिछली क्लास में बताया वो डिवाइस क्या है, दैट इज कॉल्ड थर्मामीटर, दैट इज कॉल्ड थर्मामीटर। तो टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। थर्मामीटर मैंने बताया था, देयर आर टू टाइप्स, ये टू टाइप्स क्या है, दो तरीके के थर्मामीटर होते हैं, जो कि एक जो होते हैं जो बॉडी के टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं, मतलब बॉडी के टेम्परेचर का मेजरमेंट किया जाता है, और एक थर्मामीटर
जो क्या होता है लेबोरेटरी, बॉडी के अलावा जो थर्मा मतलब बॉडी के अलावा जो ऑब्जेक्ट होता है उसको जो थर्मामीटर मेजर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लिनिकल थर्मामीटर देखेंगे। तो द थर्मामीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर। ये आप सबके घर में भी अवेलेबल होगा, ये मतलब यूजुअली सबके पास ये होता है। और क्लिनिकल थर्मामीटर क्या क्या होता है, इसमें कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। आपने आप सामने डायग्राम देख रहे हैं, क्या है वो, थर्मामीटर का डायग्राम है। उसमें क्या देख रहे हैं आप, पतला स्ट्रक्चर है जो कि कहा जा रहा है लास्ट तक जा रहा है। उसमें ऊपर नीचे जो आप देख रहे हैं डैट इज टेम्परेचर, और लॉन्ग है, लंबा है, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। और जो आगे आप जो बल्ब देख रहे हैं वो क्या है, वो ग्लास ट्यूब है। इट हैज अ बल्ब एट वन एंड। अब इसके एक छोर पे क्या है, बल्ब। दिस बल्ब कंटेन मरकरी, और वो उस बल्ब में क्या है, वो जो ब्लैक दिख रहा है दैट इज मरकरी। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल फैनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। स्मॉल फैनिंग थ्रेड आप देख रहे हैं सामने, वो क्या कहाँ होता है, बल्ब में होता है। नेक्स्ट है द मरकरी। कभी कभी क्या होता है मरकरी, जब हम अब रीडिंग अब एक एक्टिविटी करनी है आपको इसमें, कि आप जो थर्मामीटर आपके पास आ चुका है तो बॉडी का मेजरमेंट हम करते कैसे, जो सही तरीका है, जो आइडियल तरीका है, वो माउथ में रख के थर्मामीटर से हम मेजरमेंट करते हैं, और कभी कभी आर्म पिट पे भी रखा जाता है। सो, जब हम थर्मामीटर को हैंडलिंग करेंगे तो हम ऐसे हैंडलिंग करेंगे, मतलब ऐसे हम कभी भी उसके बल्ब से उसको नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि बल्ब बहुत सॉफ्ट होता है और वो कभी भी टूट सकता है। तो हम थर्मामीटर को हमेशा ऐसे पकड़ते हैं। आपके घर में अगर थर्मामीटर है, हमारे पास एक डिजिटल थर्मामीटर है, हमने डिजिटल थर्मामीटर को ऐसे पकड़ा, और जो अगर क्लिनिकल थर्मामीटर होता तो वो भी ऐसे ही होता है, बट वो ग्लास का बना होता है, और हम उसे ऐसे, इसको भी हम ऐसे यहां से नहीं पकड़ेंगे, हम इसको यहीं से पकड़ेंगे। और सबसे जो तरीका है चेक करने का, कि जब हमारा जो टेम्परेचर होगा वो लोअर होगा, 37 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर रहेगा, तभी हम बॉडी का मेजरमेंट करेंगे। अगर उससे ज्यादा है तो फिर हम उसको या तो झटके से झाड़ लेंगे, या फिर हम उसको कोल्ड वाटर से वॉश करेंगे। कोल्ड वाटर से वॉश करते ही उसका टेम्परेचर बिलो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उसके बाद हम जिस व्यक्ति में हमें थर्मामीटर लगाएंगे तो फिर उसका जो एग्जैक्ट टेम्परेचर होगा वो हमें पता चलेगा। हम डेढ़ से दो मिनट तक हम इसको रखते हैं, जिसके बाद हमारा जो एग्जैक्ट टेम्परेचर होता है बॉडी का वो पता चल जाता है। हम दोनों जगह लगाना चाहिए, हम माउथ में भी लगा सकते हैं और हम आर्मपिट पे भी लगा के हम अपने बॉडी का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी सावधानियां, इसके बाद हम प्रिकॉशन देखेंगे। तो मरकरी थ्रेड कैन बी अनसीन। कभी कभी क्या होता है कि थ्रेड नहीं दिखता है, तो हम जब टिल्ट करते मतलब उसको जब रोटेट करेंगे, रोटेट, तो हमारा थर्मामीटर क्या होगा, थर्मामीटर पे जो मरकरी होगा वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो मरकरी थ्रेड कैन बी अनसीन सम टाइम, देन रोटेट द थर्मामीटर बिट टिल करेंगे, रोटेट करेंगे तो फिर हमारा मरकरी दिखना शुरू हो जाएगा। द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल। इन इंडिया सेल्सियस स्केल ही यूज किया जाता है टेम्परेचर का। तो इंडिकेटेड, इसको इंडिकेट किससे करते हैं, ये डॉट और सी, दैट मींस दैट इज डिग्री सेल्सियस। ये हमारा क्या होता है, यूनिट होता है टेम्परेचर का। दिस विद टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। बॉडी का टेम्परेचर कहां से कितना होगा, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। हमारा टेम्परेचर कभी कभी डिग्री फॉरेनहाइट में भी किया जाता है, बट आपकी बुक में एक्सप्लेन नहीं, नेक्स्ट हम आगे की क्लासेस में देखेंगे फॉरेनहाइट के बारे में। फॉरेनहाइट भी होता है 94 डिग्री फॉरेनहाइट से 108 डिग्री फॉरेनहाइट तक का बॉडी टेम्परेचर होता है। तो आपके अगर क्लिनिकल थर्मामीटर होगा तो उसमें दो तरीके के रेंज होते हैं, आप ऊपर भी देख सकते हो, नीचे भी देख सकते हो। ऊपर वाला जो होता है डिग्री सेल्सियस होता है, और नीचे जो होता है वो डिग्री फॉरेनहाइट होता है, ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर रीड टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। 37 है, उसके बाद हमने क्या दिया, डिग्री सेल्सियस, दैट इज यूनिट ऑफ टेम्परेचर। सेल्सियस इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, द टेम्परेचर इज स्टेटेड विथ इट्स यूनिट। कभी भी हम टेम्परेचर 37, 38, 39, 40 नहीं लिख सकते, हमको उसके साथ डिग्री सेल्सियस एड करना होगा, बिकॉज दिस इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो कुछ सावधानियां जो हमें बरतनी है
क्लिनिकल थर्मामीटर के हैंडलिंग के समय. तो प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर, वो क्या क्या है? इट शुड बी वॉश बिफोर एंड आफ्टर यूज. हम जब भी यूज करेंगे थर्मामीटर का अपने बॉडी को मेजर करने के लिए, तो उसको वॉश करेंगे, ठीक है, उसको पहले धोएंगे. और अगर आपके पास एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है जैसे कि डिटॉल वगैरह, अगर पानी में हम डाल के धोए तो ज्यादा बेटर है. वैसे हम ठंडे पानी से इसे धो सकते हैं, नॉर्मल वाटर से. तो यूज करने से पहले धो ले और यूज करने के बाद धो ले. और दूसरा भी एक तरीका है कि हम इसको झटका दे के इसके पारे को कम कर सकते हैं. नेक्स्ट है मेंटेन मरकरी लेवल बिफोर 35 डिग्री सेल्सियस. मैंने कहा मेंटेन मरकरी लेवल जो होना चाहिए, क्यों धोते हैं? बिकॉज मरकरी लेवल जो होना चाहिए वो 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे होना चाहिए, क्योंकि बॉडी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मल? एवरेज 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है. तो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा तभी हमको हमारा एग्जैक्ट टेम्परेचर पता चलेगा. तो रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मरकरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट. तो आप फिगर इसलिए दिया कि आप सामने फिगर देख रहे हैं, उसमें क्या है, जब भी हम थर्मामीटर को रीड करेंगे तो हम अपने आई के साइट के पास उसको रखेंगे, हम तभी हम उसको देख पाएंगे उसका सही टेम्परेचर कि मरकरी जो है वो किस कहां टेम्परेचर पे वो आई है, तभी हमारा टेम्परेचर सही पता चलेगा. हैंडल द थर्मामीटर विद प्रॉपर केयर. अब हम पकड़ के हम जो रीड कर रहे हैं तो हम पकड़े कहां से, बल्ब साइड से नहीं, हम कहां से पकड़ेंगे उसको, बैक साइड से पकड़ेंगे, जहां पे उसका बल्ब नहीं है वहां से हम पकड़ेंगे. और अपनी आंखों से जस्ट सामने आप देख रहे हैं इसने हैंडल कैसे किया है. डोंट टच द बल्ब ऑफ थर्मामीटर. मैंने पहले बताया कि बल्ब थर्मामीटर का जो बल्ब है उसको टच नहीं करना. क्यों नहीं टच करना है? क्योंकि ये ग्लास ट्यूब का बना होता है और कभी भी टूट सकता है. और कभी भी क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज हम दूसरे किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए नहीं कर सकते. इसका सिर्फ और सिर्फ बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए ही करना चाहिए. दूसरे किसी भी ऑब्जेक्ट में जैसे कि कोई भी हॉट चीज है, जैसे कि हम गर्म दूध में ही अगर थर्मामीटर डुबो दिए तो क्या होगा, इससे थर्मामीटर का जो बल्ब होता है वो टूट सकता है. तो ये सारे प्रिकॉशंस हमें हैंडलिंग के समय ध्यान रखना है. नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर. नॉर्मल टेम्परेचर आपका एक वर्ड है. व्हाट इज नॉर्मल टेम्परेचर? नॉर्मल क्या होता है? किसी भी चीज का जो एवरेज. तो इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन. जितने भी हेल्दी पर्सन होते हैं उनका एक जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है दैट इज एवरेज टेम्परेचर इज कॉल्ड नॉर्मल टेम्परेचर. अब जो थर्मामीटर है डिजाइन फॉर मेजर ओनली ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर. सो इट्स रेंज इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री. क्यों इसका रेंज होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस? क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो रेंज होना होता है इतना ही होगा, 42 डिग्री हाई टेम्परेचर एंड 35 डिग्री सेल्सियस दैट इज लो टेम्परेचर. तो इसलिए थर्मामीटर का रेंज हम किसके किसके बीच रखते हैं? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रखते हैं. तो हमने क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पूरे अच्छे तरीके से देख लिया. हमने हीट देखा, टेम्परेचर देखा, दो तरीके के डिवाइस देखे, ऐसे डिवाइस जो कि टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है, बॉडी का. अब आप लोगों को घर पे एक एक्टिविटी करनी, जो भी एक्टिविटी है वो आपको होम पे करनी. डू द ऑल एक्टिविटी एट योर होम. क्या करना है, आपके घर के जितने भी सदस्य जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं आप सब लोगों सबके बॉडी का टेम्परेचर मेजर करेंगे और फिर सबके नाम के साथ आप बगल में टेम्परेचर लिखेंगे. क्या देखेंगे आप? स्लाइटली और स्लोली सबका क्या होगा, टेम्परेचर कम ज्यादा होगा. तो आज के लिए धन्यवाद. फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट थर्मामीटर के साथ मिलते हैं.